हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सबरी। आज मैं मशरूम घी रोस्ट बनाने वाली हूँ। इसे पराठा रोटी के साथ खाना बहुत अच्छा लगता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले एक बढ़िया सा मसाला बना के तैयार करेंगे। उसके लिए मैं कढ़ाई गरम कर ली हूँ। एक चम्मच धनिया लेंगे, एक चम्मच जीरा, आधा चम्मच मेथी का दाना, एक चम्मच सौंफ, एक चम्मच सरसों का दाना, एक चम्मच खसखस, आधा चम्मच काली मिर्च, 5 से 6 काजू, सूखी लाल मिर्च आपके स्वाद के अनुसार। अब इसे हमें 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है धीमी आंच में। मसाले अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसे ब्लेंडर में निकाल लेते हैं। अब इसमें मिलाएंगे 4 से 5 लहसुन के कली, 1 इंच अदरक, 2 से 3 लौंग, 1 चम्मच इमली, 1 चम्मच गुड़, पानी 1/4 कप। अब इसे अच्छी तरह से हम ब्लेंड कर लेते हैं। देख सकते हैं बिल्कुल फाइन पेस्ट बनके तैयार है। चलिए मशरूम को मैरिनेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे 400 ग्राम मशरूम को अच्छी तरह से धो के कट कर ली हूँ। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, दही 1 कप, जो मसाले को हम ब्लेंड करके रखे थे उसको डाल देते हैं। इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। मशरूम हमारा अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है। चलिए अब इसको हम पका लेते हैं। उसके लिए मैं कढ़ाई गरम कर ली हूँ। 3 से 4 चम्मच घी डालेंगे। दो मीडियम साइज के प्याज बारीकी से कटा हुआ। प्याज को हमें सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट होने तक भूनना है। अब यहाँ पे मैं चुटकी भर नमक डाल रही हूँ।
प्याज हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब जो मैरिनेट करके मशरूम को रखे थे उसको डाल देते हैं। करी लीव्स, अब इसे हमें अच्छी तरह से मिला लेते हैं और मसाले से तेल निकलने तक हमें इसको पकाना है। बीच बीच में चम्मच चलाते रहेंगे। बीच बीच में चम्मच को चलाना ना भूले, नहीं तो सब्जी हमारे नीचे जल सकता है। देख सकते हैं मशरूम अभी हमारा ड्राई हो गया है और मसाले से तेल निकलना भी स्टार्ट हो गया है। अब इसमें डाल देते हैं धनिया पत्ता, अच्छी तरह से मिला लेते हैं। मशरूम घी रोस्ट हमारा तैयार है। इसे गर्मा गर्म रोटी या पराठे के साथ सर्व करें और एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।